नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन की, जिसको बोलते हैं ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत का क्षय, इसके बारे में बात करने से पहले जानना जरूरी है कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल जो है वो अनेक गैसों का मिश्रण हम कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का एक ब्लैंकेट हमारी पृथ्वी के ऊपर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% लगभग प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, जो कि लगभग 21% प्रेजेंट होती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। इसके अलावा कुछ निष्क्रिय गैसें, आर्गन, नियॉन और वाटर वेपर, ये सभी हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारे, जब भी हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तब हम तीन फैक्टर्स मुख्य रूप से लेते हैं। एक होता है एटमॉस्फेयर, सेकंड होता है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा होता है लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर इट कंप्राइजेस all gases, okay, hydrosphere it means it will made up with the all water bodies, और तीसरा होता है lithosphere which is related to land। अब जब हम एटमोसफियर की बात कर रहे हैं तो एटमोसफियर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इट इज प्रेजेंट इन वेरियस लेयर्स। एटमोसफियर इज प्रेजेंट इन टू वेरियस लेयर्स, उसमें जो सबसे नीचे पृथ्वी की सतह के जो सबसे पास वाली लेयर है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल जिसे बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है पृथ्वी की सतह से लेकर 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल जिसे बोलते हैं। यह क्षोभ मंडल जो कि 12 किलोमीटर तक रहती है, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर का। उसके बाद होता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है उसमें जो उस क्षेत्र को बोला जाता है मीजोस्फीयर। फोर्थ होता है थर्मोस्फीयर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 700 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो थर्मोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। और उससे भी आगे का जो क्षेत्र है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है वो होता है एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो है टोटल 5 लेयर्स हैं हमारे वायुमंडल की। पृथ्वी के सबसे निकट ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। अब बात करते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल वाला जो क्षेत्र है वहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, तो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर वाला जो पोर्शन है जो कि पृथ्वी की सतह के 12 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होता है, तो वहीं पर प्रेजेंट होती है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किससे मिलकर बनी है? इट इज मेड अप बाय 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब हम बात करते हैं O3 की, क्योंकि ओजोन का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है O3, सो इट इज मेड अप बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इट विल फॉर्म O3, ओजोन। ओजोन जो है हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओजोन अगर समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में इट इज वन प्रोटेक्टिंग लेयर जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, उनसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर ओजोन गैस स्ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होगी, हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट है, अर्थ के ज़्यादा पास में है, 0 से 12 किलोमीटर के अंदर अगर वो प्रेजेंट है, तो वो ही ओजोन जो गैस है वो एक पॉल्यूटिंग गैस की तरह मानी जाती है। ओके, तो ओजोन गैस की बात आपको हमेशा याद रखना है कि इफ ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर इट विल बी यूजफुल बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, बट इफ इट इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर इट इज वन हार्मफुल एंड डेंजरस गैस बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ पॉल्यूटिंग गैस। तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन कैसे होता है ओजोन का वायुमंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन
O2 जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में इट विल बी डिसोसिएट इनटू फ्री रेडिकल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीजन के दो मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और वापस ऑक्सीजन O2 जो है वो ऑक्सीजन के एक मुक्त मूलक से अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कर O3 का फॉर्मेशन करती है. तो O3 का फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन एक तरह का एक बैलेंस चलता रहता है. अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो 3O2 इट विल गिव 3O2O3. ओके, तो ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. अब हम बात करते हैं कि जो थिकनेस है ओजोन की वो एक यूनिट के माध्यम से नापी जाती है, मेजर की जाती है और यूनिट को बोलते हैं डॉब्सन यूनिट. डी कैपिटल डी एंड कैपिटल यू, तो यूनिट का नाम है डॉब्सन यूनिट. डॉब्सन यूनिट के माध्यम से ओजोन लेयर की थिकनेस को नापा जाता है. अब ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसी को बोला गया है ओजोन होल. तो क्या कारण है जिनकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका क्षय होता जा रहा है? तो जो मेन कारण है वो है एक गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में किया जाता है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर O3 को डिसोसिएट कर देती है. इसके अलावा जो दूसरे रीजन है, जिन कई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो भी ओजोन गैस के क्षय के मुख्य कारण है. तीसरा रीजन हो सकता है सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है. देन स्पेस शटल की वजह से ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. सो ऑल दीज आर द मेन रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. एंड नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि जो मेन रेस्पॉन्सिबल गैस है ओजोन लेयर डिप्लीशन की वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो क्या होता है इन स्ट्रेटोस्फीयर मेनली CCl2F2, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ट्रोपोस्फीयर में बहुत ही निष्क्रिय गैस है और वैसे ये बहुत हल्की गैस होती है. तो जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी तो CCl2F2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला है, इट रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज एंड उसमें से क्या होता है क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन का एक मुक्त मूलक जो है वो अलग हो जाएगा और Cl+CCl F2. अब ये जो मुक्त मूलक है क्लोरीन का ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है ClO+O2. अब इसी तरह से O3 जो है वो डिसोसिएट होती रहती है O2 एवं O में. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये रिएक्ट करता है ClO से. ये ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करेगा ClO से एंड अगेन इट विल बी डिसोसिएट O3. तो ये O+ClO इट विल फॉर्म Cl+O2 एंड ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है इट विल रिएक्ट विद O3 और वापस कन्वर्ट कर देगा ClO और O2 में. ओके, तो ये एक तरीके ये पूरी रिएक्शन जो है ये मैकेनिज्म को बताती है. तो यहाँ Cl+O3 इन द फॉर्म ऑफ HNu एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू ClO एंड O2. ओके, नाउ सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. मेन रीजन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नाउ विच टाइप ऑफ इफेक्ट्स कैन बी टेकन इन एटमोस्फियर एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स. जब भी ओजोन लेयर का क्षय होता है तो इसका मेन इफेक्ट जो है एक तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी डन, ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी. क्योंकि अर्थ का मेन काम क्या है ओजोन लेयर का, हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना. अगर ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होती जाएगी तो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, सनलाइट से तीन प्रकार की रेज अर्थ पर आती हैं, विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, उनमें जो सबसे डेंजरस रेज होती हैं वो होती हैं यूवी रेज. अगर डायरेक्ट यूवी रेज अर्थ पर आएंगी दैट विल बी सो मच डेंजरस फॉर अवर हेल्थ. सो जो रेडिएशन जो हैं वो बर्न इफेक्ट या स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर टाइप प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी. सिमिलरली प्लांट्स की ग्रोथ पर इफेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज विल बी टेक प्लेस, ग्लोबल वार्मिंग और
ओजोन लेयर डिप्लीशन कोरिलेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन ज्यादा होगा तो अर्थ का टेम्परेचर आप पोलर आइस कैप्स जो हैं वो ज्यादा मेल्ट होंगे, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग और ये आपस में इंटर ओजोन लेयर डिप्लीशन आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स होंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। अब मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग ओजोन डिप्लीशन, अब जितने भी हमने सब्सटेंसेस पढ़े उन सभी सब्सटेंसेस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या नाइट्रोजिनस कंपोनेंट्स हो गया या कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस भी होते हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, तो इन सभी सब्सटेंसेस को बोलते हैं ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये जो ODS हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए कमेटी बनी 30 कंट्रीज की, और 1987 में एक ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ जिसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जारी किया गया था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था जितने भी ODS हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस उनको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए और उनकी जगह कुछ दूसरे प्रकार के सब्सटेंसेस का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिंग ओजोन डिप्लीशन हम किस प्रकार से और कम कर सकते हैं, तो पहला जो हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ओजोन को डिप्लीशन को बचाना है, तो पहला रीजन तो क्या होगा कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है उस पर रोक लगाएं। इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर या AC का यूज किया जाए जहां पर CFC जो है वो रिलीज नहीं होती होगी, क्योंकि आजकल दूसरे सब्सटेंसेस का भी उपयोग किया जाने लगा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाने लगा है, तो कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको खोजा जाए, ऐसे अल्टरनेटिव्स खोजे जाएं जो कि इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ऐसा करने से हो सकता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट